प्रिय पाठकों, आप सभी का स्वागत है। आज मैं आप लोगों के समक्ष छायावादी कवि जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित आत्मकथा मधुप गुनगुना कर कह जाता लेकर प्रस्तुत हुआ हूँ। तो आइए, कविता के पाठन एवं व्याख्यान से पहले कविता से जुड़ी कुछ बातों को जान लेते हैं। एक बार की बात है, जब हिंदी पत्रिका हंस के आत्मकथा विशेषांक के लिए जयशंकर प्रसाद के मित्रों ने उनसे आत्मकथा लिखने के लिए आग्रह किया, परंतु प्रसाद जी अपनी आत्मकथा लिखना नहीं चाहते थे। इस कविता में प्रसाद जी उन कारणों का वर्णन किए हैं जिसके कारण वे अपनी आत्मकथा नहीं लिखना चाहते थे। आत्मकथा की यह कविता पहली बार 1932 ईस्वी में हंस के आत्मकथा विशेषांक में प्रकाशित हुई थी। छायावादी शैली में लिखी गई इस कविता में प्रसाद जी ने अपने जीवन के यथार्थ एवं अभाव पक्ष की मार्मिक अभिव्यक्ति की है। छायावाद भी सूक्ष्मता के अनुरूप ही अपने मनोभावों को अभिव्यक्त करने के लिए प्रसाद जी ने इस कविता में नवीन, ललित, सुंदर एवं बिंबों का प्रयोग किया है। इन्हीं शब्दों एवं चित्रों के सहारे उन्होंने बताया कि उनके जीवन की कथा एक सामान्य व्यक्ति के जीवन की कथा है। इसमें ऐसा कुछ भी नहीं जिसे पढ़ने के बाद महान और रोचक मानकर लोग वाह वाह करेंगे। कुल मिलाकर इस कविता में एक तरफ कवि द्वारा यथार्थ की संस्कृति है तो दूसरी तरफ एक महान कवि की विनम्रता भी। प्रसाद जी का मानना है कि उनका जीवन इतना भी महान नहीं है कि उसके बारे में लिखा जाए। उन्हें लगता है कि इतने बड़े संसार में, इतने लंबे इतिहास में वे किसी छोटे से कण के समान है जिसके बारे में कुछ भी कहना अतिशोक्ति होगा। उन्हें ऐसा लगता है कि अभी उन्हें जीवन में बहुत कुछ हासिल करना है, इसलिए ऐसा उचित समय अभी नहीं आया है कि अपने बारे में आत्मकथा लिखी जाए। परंतु अपने दोस्तों के जिद के सामने उन्हें घुटने टेकने पड़े और वे इस कविता में अपने मनोभावों की अभिव्यक्ति करते हुए इस संसार की असारता और निरस्ता पर विचार करते हैं। प्रसाद जी कहते हैं कि यह जीवन दुखों से भरा है। इस वातावरण में भला कौन अपनी कथा को कहने का साहस करेगा, और यहाँ तो मेरे जीवन की गागर ही रीति अर्थात खाली है। प्रसाद जी कहते हैं, मैं दूसरों को भला क्या दे सकता हूँ। वह कभी भी अपनी भूलों और दूसरों की रचनाओं को उजागर नहीं करना चाहते हैं। इसका कोई लाभ भी तो नहीं है। यह बात ठीक है कि कभी मैंने भी सुख के कुछ क्षण भोगे थे, तब वह मधुर चांदनी में बैठकर अपने प्रिय के साथ खिलखिलाकर हंसता था, पर वे क्षण कुछ पल ही टिक पाए। सुख उसके निकट आते आते जैसे भाग गया और मैं उन सुख के क्षणों के लौटने की प्रतीक्षा करता रह गया। इस कविता में प्रसाद जी अपने प्रिय के सौंदर्य का भी स्मरण करते हुए कहते हैं कि उसके गालों की लाली उषा के लिए भी ईर्ष्या का विषय था। अंत में प्रसाद जी कहते हैं कि इन सब बातों के कहने का अब कोई लाभ नहीं है। मेरी कथा में दूसरों को कुछ भी नहीं मिल पाएगा। यही कारण है कि मैं अपनी कथा कहने से बचता रहा हूँ। प्रसाद द्वारा रचित यह आत्मकथा मधुप गुनगुना कर कह जाता
उनके लहर काव्य संग्रह में संग्रहित है। तो आइए कविता की ओर अग्रसर होने से पहले आप लोगों से एक प्रार्थना करना चाहूँगा कि कृपया मेरे इस चैनल को आप लोग लाइक एवं सब्सक्राइब करें एवं अपने बंधु मित्रों को इसे साझा करें ताकि यह वीडियो अधिक से अधिक लोगों तक पहुंच सके। तो आइए कविता की पाठन एवं व्याख्यान की ओर बढ़ते हैं। कविता की पंक्तियों में आए हुए कठिन शब्दों को मैंने यहाँ लाल रंग से दर्शाया है एवं उनके अर्थों को ठीक नीचे नीले रंग से दर्शाया हूँ जो कि आप लोगों के समक्ष दर्शित है। तो आइए पाठन करते हैं। मधुप गुनगुना कर कह जाता कौन कहानी यह अपनी, मुरझा कर गिर रही पत्तियां देखो कितनी आज धनी। इस गंभीर अनंत नीलिमा में असंख्य जीवन इतिहास, यह लो करते ही रहते हैं अपना व्यंग मलिन उपहास। तो आइए प्रसंग की ओर बढ़ते हैं। प्रस्तुत पंक्तियां छायावादी कवि जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित आत्मकथा मधुप गुनगुना कर कह जाता से अवतरित है। इस कविता में कवि ने जीवन के यथार्थ एवं अभाव पक्ष की बहुत ही मार्मिक अभिव्यक्ति की है। तो आइए पंक्तियों की व्याख्या करते हैं। प्रसाद जी यहाँ कहते हैं कि पेड़ के झड़ते पत्तों की तरह मनुष्य का जीवन भी क्षण भंगुर है, फिर भी मन रूपी भंवरे गुनगुनाकर पता नहीं अपनी कौन सी कहानी कहने की कोशिश करते हैं। शायद उन्हें यह नहीं पता कि जीवन तो नश्वर है, जो आज है वह कल समाप्त हो जाएगा। पेड़ों की जो पत्तियां कल तक हरी भरी थी आज वे सभी मुरझाकर गिर रहे हैं। शायद यही जीवन की नश्वरता का प्रतीक है। इस झड़ते हुए पत्तियों की तरह मनुष्य का जीवन भी ऐसा ही क्षणिक है। दूसरे पंक्ति में फिर से प्रसाद जी कहते हैं कि मन रूपी भौंड़ा गुनगुनाकर कह रहा है कि अपनी जीवन गाथा कैसे कहूं। उनके जीवन की इच्छाएं एक एक करके पत्तियों की तरह मुरझाकर गिर रहे हैं। उन्होंने एक एक करके अपने जीवन के सपनों को मरते देखा है। उन्होंने अपने जीवन में बहुत दुख झेले हैं। इस विशाल नीले आकाश में रहने वाले कितने महापुरुषों ने अपने जीवन का इतिहास लिखा है, उन्हें पढ़कर ऐसा लगता है कि मानव वह अपना ही उपहास कर रहे हैं। तो आइए अगली पंक्ति की ओर बढ़ते हैं। तब भी कहते हो कह डालूं दुर्बलता अपनी बीती, तुम सुनकर सुख पाओगे देखोगे यह गागर रीति। किंतु कहीं ऐसा ना हो कि तुम ही खाली करने वाले, अपने को समझो मेरा रस ले अपनी भरने वाले। तो आइए पंक्तियों की व्याख्या करते हैं। प्रसाद यहाँ कहते हैं कि मेरा संपूर्ण जीवन अभावों और कठिनाइयों से भरा पड़ा है। मैंने अपने जीवन में बहुत दुख झेले हैं, फिर भी मेरे मित्र कहते हैं कि मैं अपने जीवन की गाथा लिखूं। मेरी जीवन कहानी जानकर किसी को क्या सुख मिलेगा, वह तो खाली गागर के समान है। मेरे जीवन में खालीपन को देखकर किसी को कोई सुख नहीं मिलेगा। प्रसाद जी पुनः कहते हैं कि मेरे जीवन की कमियों को सुनकर ऐसा ना हो कि तुम अर्थात मित्र एवं पाठक गण यह समझने लगे कि
तुम्हारे जीवन में सब कुछ अच्छा ही हुआ। मेरा जीवन हमेशा एक कोड़े कागज की तरह रहा है, सो मेरी जीवन गाथा को सुनकर लोग कहीं मजे ना ले, यह डर मुझे हमेशा सताते रहते हैं। तो आइए अगली पंक्ति की ओर बढ़ते हैं। यह विडंबना अरे सड़लते तेरी हंसी उड़ाऊं मैं, भूले अपनी या प्रवंचना औरों की दिखलाऊं मैं। उज्जवल गाथा कैसे गाऊं मधुर चांदनी रातों की, अरे खिलखिलाकर हंसते होने वाली उन बातों की। तो आइए पंक्तियों की व्याख्या करते हैं। प्रस्तुत पंक्ति में प्रसाद जी कहते हैं कि ऐसे में मैं अपनी दुख भरी कथा को लिखकर अपने सरल मन की हंसी उड़ाऊंगा। मैं मेरे दुख भरे दिनों को लिखकर अपने मन की कमजोरियों को सबके सामने क्यों प्रकट करूं? फिर से प्रसाद जी कहते हैं कि मेरे जीवन में भी मधुर चांदनी रातें आई थी, वे सब फिर चली गई। वे सब मेरे जीवन की निजी अनुभूतियां हैं, अपने प्रियतमा के साथ बिताए मेरे निजी क्षणों को क्यों सबके सामने मैं प्रकट करूं? ऐसा इन पंक्तियों में प्रसाद जी कहते हैं। तो आइए अगली पंक्ति की ओर बढ़ते हैं। मिला कहां वह सुख जिसका मैं स्वप्न देख कर जाग गया, आलिंगन में आते आते मुस्का कर जो भाग गया। जिसके अरुण कपोलों की मतवाली सुंदर छाया में अनुरागनी उषा लेती थी निज सुभाग मधुमाया में। तो आइए पंक्ति की व्याख्या करते हैं। प्रसाद जी कहते हैं कि वह जो स्वप्न देखकर जागा था मैं, वह प्रियतमा कहाँ मिली? जिस प्रियतमा का आलिंगन करने के लिए उसके बाहें आगे बढ़ाई थी, वह प्रियतमा आज उसके पास नहीं है, कहीं दूर भाग गई है, अर्थात चली गई है। वह प्रियतम कभी को कभी नहीं मिली। कवि कहते हैं कि उन्होंने कितने स्वप्न देखे थे, कितनी ही महत्वाकांक्षाएं पाली थी, लेकिन सारे सपने जल्द ही टूट गए। ऐसा लगा कि मुंह तक आने से पहले ही निवाला गिर गया था। उन्होंने जितना कुछ पाने की हसरत पाल रखी थी, उन्हें उतना कभी नहीं मिला। इसलिए उनके पास ऐसा कुछ भी नहीं है कि जीवन की सफलताओं या उपलब्धियों की उज्जवल गाथाएं बता सके। पुनः प्रसाद जी अपनी प्रियतमा की सौंदर्य का वर्णन करते हुए कहते हैं कि उसकी प्रेमिका के लाल कपोल उषा कालीन लालिमा से भी अधिक मनोरम थी। प्रसाद जी की प्रेमिका इतनी सुंदर थी कि कभी कोई ऐसा भी था जिसके चेहरे को देखकर प्रसाद जी को प्रेरणा मिलती थी। आइए अगली पंक्ति की ओर बढ़ते हैं। उसकी स्मृति पाथे बनी है थके पथिक की पंथा की, शिविर को उधेर कर देखोगे क्यों मेरी कंथा की। छोटे से जीवन की कैसे बड़ी कथाएं आज कहूं, क्या ये अच्छा नहीं कि औरों की सुनता मैं मौन रहूं? तो आइए व्याख्या करते हैं। यहाँ प्रसाद जी कहते हैं कि मैं अपने प्रेमिका के यादों का सहारा लेकर अपने जीवन के थकान को दूर करता था। प्रसाद जी यह कहते हैं कि कभी उसके जीवन में सुख के पल नहीं आए, इसीलिए किसी को भी
इसका कोई हक नहीं है कि मुझे कुड़ेद कर मेरे जख्मों को देखे। मेरा जीवन इतना भी सार्थक नहीं है कि मैं इसके बारे में बड़ी बड़ी कहानियां सुनाता फिरूं। प्रसाद जी पुनः कहते हैं कि मेरे जीवन में मैंने कोई ऐसा काम नहीं किया है जिन्हें वह आम लोगों को बता सके। आम लोग क्यों उसकी आत्मकथा जानना चाहते हैं? प्रसाद जी कहते हैं कि मेरे लिए यही अच्छा रहेगा कि मैं दूसरों के महान गाथाएं सुनूं और अपनी व्यथा को लेकर शांत बना रहूं। तो आइए अगली पंक्ति की ओर बढ़ते हैं। सुनकर क्या तुम भला करोगे मेरी भोली आत्मकथा, अभी समय भी नहीं थकी सोई है मेरी मौन व्यथा। तो आइए पंक्तियों की व्याख्या करते हैं। प्रसाद जी यहाँ कहते हैं कि मेरी भोली आत्मकथा को सुनकर कोई प्रेरणा प्राप्त नहीं करेगा, मेरा मन शांत है, उसने जीवन में ऐसी कोई महानता अर्जित नहीं की है जिसके बारे में लिखा जाए। अतः प्रसाद जी का कहना है कि उनकी मौन व्यथा थकी हुई सो रही है और शायद अभी उचित समय भी नहीं आया है कि मैं अर्थात प्रसाद जी अपनी आत्मकथा लिखे। इस प्रकार मैं अंततः यही कहना चाहूँगा कि प्रसाद जी ने प्रस्तुत पंक्तियों के माध्यम से अपनी आत्मकथा ना लिखने के बारे में यहाँ कहे हैं। प्रसाद जी के सभी मित्र जब उनसे अपनी जीवन कथा लिखने के लिए बहुत हट करते हैं तो प्रसाद जी प्रस्तुत कविता के माध्यम से अपनी आत्मकथा ना लिखने की वजह को उनसे बताते हैं। इस प्रकार से ना बताते हुए भी प्रसाद जी अपने जीवन के करुण घटनाओं को जाने अनजाने पाठकों के समक्ष प्रस्तुत कर देते हैं। तो आशा करता हूँ कि आज का मेरा यह व्याख्यान आप लोगों के लिए सार्थक सिद्ध हो, एवं साथ ही आप लोगों से प्रार्थना है कि मेरे इस चैनल को आप लोग कृपया लाइक एवं सब्सक्राइब करें एवं साथ ही अपने बंधुओं को साझा करें ताकि यह वीडियो अधिक से अधिक लोगों तक पहुंच सके। धन्यवाद।